कम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम नॉर्मली मल्टीपल पर्संस को ईमेल किस प्रकार से कर सकते हैं। और जो आपका ईमेल के अंदर आपने देखा होगा, जब भी आप करते हो तो यहाँ पे आपको सीसी या बीसीसी देखने को मिलता है। तो इन फुल डिटेल मैं आपको ये बताऊंगा कि नॉर्मली सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, और हम किस प्रकार से नॉर्मली मल्टीपल पर्संस या किसी सिंगल पर्संस को नॉर्मली विदाउट देयर इंफॉर्मेशन या उनको पता चले बिना या मल्टीपल पर्सन को सेम आपका डॉक्यूमेंट उसकी कॉपी किस प्रकार से हम वहाँ पे सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल। तो यहाँ पे कुछ जैसे ही आप किसी को अगर आपको मैसेज करना है, देन आपको सिंपली कंपोज पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होता है। यहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्संस की आपको ईमेल आईडी को एंटर करना, लाइक उसकी ईमेल आईडी है abc@gmail.com। ओके, तो जैसे ही आप इसको एंटर पे क्लिक करते हो तो ये एक ईमेल आईडी यहाँ पे क्लिक हो जाती है या सेव हो जाती है सेंड करने के लिए। आप दूसरी को भी नॉर्मली एंटर कर सकते हो जो भी आपकी ईमेल आईडी है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, सब्जेक्ट। अब जो आप फाइल या जो आप मैटर भेज रहे हो उसका नॉर्मली सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे आपका टाइटल हो सकता है उस रिलेटेड डॉक्यूमेंट का या जो भी कुछ फाइल आप भेज रहे हो। ओके, और यहाँ पे आपका नॉर्मली जो डेस्क्रिप्शंस आपको मिलता है या फिर आप नॉर्मली जो इंफॉर्मेशन कुछ भी लिखना चाहते हो ये वो नॉर्मली यहाँ से आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे मैं सीसी और बीसीसी को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सीसी का मतलब देखो क्या होता है। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। इट्स मीन जो भी आप इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके भेजोगे, यहाँ से कुछ फाइल या कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से लिख के भेज रहे हो, जैसे आपने लिखा यहाँ पे लिखा नॉर्मली रेस्पेक्टेड सर। ओके, देन आप यहाँ पे इसके अंदर नॉर्मली कुछ भी अगर मैटर लिखते हो, देन सीसी के अंदर नॉर्मली आपका क्या होता है कार्बन कॉपी। ये सेम अगर आपने यहाँ पे लिखा xyz@gmail.com, तो ये जो इन्फॉर्मेशन एबीसी को तो जा ही रही है, अब जब ये मेल आपका किसी पर्सन को जाएगा तो उसको नीचे उस जो एड्रेस पूरा उसको मिलेगा उस फाइल का या जो ईमेल आईडी रिसीव्ड का पूरा ऑप्शंस जहाँ पे फुल डिटेल्स होती है, तो वहाँ पे सीसी के अंदर xyz@gmail.com ये आईडी वहाँ पे नॉर्मली शो होने वाली है उस यूजर को। उसको नॉर्मली ये पता होगा कि ये फाइल मेरे अलावा भी किसी को भेजी गई है। लाइक अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, देन अगर आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो रिपोर्ट मल्टीपल पर्सन्स को भी अटैच्ड हो या लिंक्ड हो, देन आप सीसी के अंदर उनकी हर एक की ईमेल आईडी नॉर्मली आप इनपुट कर सकते हो, ताकि जो आपका मेन सेंडर है उसको पता चल सके कि ये सेम डॉक्यूमेंट या ये फाइल है मल्टीपल कितने पर्सन्स को भेजी गई है। ओके, ये काम होता है आपका सीसी का। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं बीसीसी। इसका मतलब होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी या नॉर्मली इसको ब्लैक कार्बन कॉपी भी हम कह सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी आप ईमेल एड्रेस इनपुट करते हो, लाइक आपने जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे इनपुट करोगे जितने भी, तो यहाँ पे जो आपका ये मेन सेंडर है, ये जो मैन आपका सेंडर है, इसको पता नहीं चलेगा कि ये जो आपने फाइल भेजी है वो और किस किस पर्सन को नॉर्मली भेजी है। और दूसरी बात यहाँ पे कि ये जो आपने बीसीसी के अंदर जो इंफॉर्मेशन या जो ईमेल आईडीज इनपुट करी है, इनमें ओनली जो आपका जो बीसीसी के अंदर जो रिसीवर होगा वही इस इंफॉर्मेशन को देख सकता है। और आपका ये जो सीसी के अंदर भी चाहे कोई सा हो या फिर आपका टू के अंदर मेन जो आपका पार्टिसिपेंट है या जिसको आप सेंड कर रहे हो, वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन को चेक नहीं कर पाएगा कि आपने बीसीसी या ब्लाइंड के अंदर नॉर्मली किसको ये सेंड की है फाइल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं जो भी आप इनपुट करते हो,
यहाँ से आप अटैच कर सकते हो किसी भी फाइल को। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। ओके, यहाँ से नॉर्मली आप इंसर्ट कर सकते हो कोई भी लिंक को। अगर आपका वेबसाइट वगैरह कुछ आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो अपने पर्टिकुलर पेज के साथ एड फॉर ए पब्लिक एडवर्टाइज, वो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इमोजीज के ऑप्शंस मिल जाते हैं, गूगल ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है गूगल ड्राइव पे कि नॉर्मली आप गूगल ड्राइव को किस प्रकार से यूज कर सकते हो। यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर्स को, और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन और ऑफ कर सकते हो इजीली आप। और यहाँ से आप इंसर्ट सिग्नेचर, नॉर्मली आपकी जो लास्ट के अंदर एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अगर मैसेज सॉरी आप कुछ सिग्नेचर लाइक आपकी फुल डिटेल्स वगैरह हर एक ईमेल आईडी के साथ इनपुट करना चाहते हो, देन वो आप नॉर्मली यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैनेज सिग्नेचर का ऑप्शन आपको मिलेगा, और जैसे ही ये इसका इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है तो वो कुछ इस प्रकार से आपको शो होगा। ओके, और यहाँ पे नॉर्मली आप क्रिएट कर सकते हो अपना सिग्नेचर, और लास्ट में आप ऑप्शन आपको मिल जाते हैं बहुत सारे प्लेन टेक्स्ट। जब भी ये और जो ऑप्शन आपको मिलता है इसके थ्रू नॉर्मली आप क्या कर सकते हो कि जिनके भी आपके मैसेज आए हो उनको आप ऑटोमेटिकली रेस्पोंड करना चाह रहे हो। जैसे भी आपके किसी का भी मान लो आपके पास मैसेज आता है, देन आपको उनको ऑटोमेटिकली रिप्लाई एक थैंक यू रिगार्ड्स थैंक्स कनेक्टिंग टू मी ऐसा कुछ आपको करना है, देन यहाँ पे वो सिंपली टाइप कर सकते हो और इसको यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। ओके, तो ये था आपके पास नॉर्मली जब भी आप एक ईमेल या एक फाइल किसी को सेंड करते हो थ्रू जीमेल, तो उसका एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार से होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और बने रहिए इस चैनल के साथ इसी प्रकार के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।